लड़कियां एक बहुत ही पुरानी प्रजाति। इंसानों को पैदा हुए 10 लाख साल हो गए हैं, लेकिन इस शब्द का मतलब ढूंढते ढूंढते लोगों की उम्र खत्म हो गई है। हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो उनके पास है? सिर्फ 3 ही अंतर है ना, और उसके दम पर जो ये लोग करती है ना, अरे रे रे, बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा, ओहो जो नजारे दिखाती है, अरे ये भी सह सकते हैं, लेकिन ओए होए 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 होए, ये सब देखने के बाद मुझे तो शक होता है कि सच में भगवान है या नहीं है। कसम से कहता हूँ ये दुनिया मिट जाएगी। पर एक बात सोचने की है, नशे में धुत होने के बाद अगर आप एक बात को ठंडे दिमाग से सोचें, तो उस मोटू ने उस लड़की को पटाने के लिए खर्च किया पैसा, टाइम, मेहनत, बदनामी, बेइज्जती, लोगों के ताने, चप्पल से मार खाना, जहर, फांसी, खून। बड़ा चला के बोल रहा, पर सुन लीजिए, क्या इसका मतलब एक खूबसूरत लड़की को पटाना कोई मुश्किल काम है? ऐसा कुछ नहीं, हर एक इंसान जो भी करता है, अच्छा बुरा, उसकी पसंद नापसंद, वो सब कुछ स्टोर होती है। पता है कहाँ पे? आपके मोबाइल और कंप्यूटर्स में। जरा सोचिए, सिर्फ कॉल करने वाले मोबाइल पर पासवर्ड की क्या जरूरत है? आप अपनी तिजोरी पर ताला लगाते वो तो समझ में आता, पर फोन को क्यों ताला लगा रहे हैं? मतलब आपका सारा काला चिट्ठा इसके अंदर बंद है। तो अगर आपका फोन हैक हो गया, मतलब आपकी जिंदगी हैक हो गई। ऐसे राज जो आपके दोस्त भी नहीं जानते, वो भी बाहर आ सकते हैं। और ऐसे राज से पर्दा उठाने के लिए मैंने एक वायरस बनाया है, बादशाह वायरस। वाओ, फ्री ऑफर है। हाँ यार, इसका नाम है रेखा, इसका फेवरेट कलर रेड है, इसे गुलाब पसंद है, और इसके दोस्त हैं राजेश, अनिल, निखिल, अमर, एंथनी। बाप रे, इतने सारे लड़के, इस लड़की को भगवान का डर है या नहीं? और इसे केला पसंद है, केला क्यों? हाजमा खराब होगा। अरे किसी को मैसेज भेजा था, राजेश कल जो तुमने किस किया था वो मजेदार था। तो ये कौन है? इस बेचारे का नाम तो इसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। ये लो, ये भी चालू निकली। ये लड़की मेरे टाइप की नहीं, हट। ओह, इसका नाम मार्क है। जैसा आपने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, इतना चेंदी है कि ढक्कन सूंघ के उल्टी करने लगता है। Yeah, it's me. Hey, वाह, इसका नाम है वंदना, ये एक रिपोर्टर है। कहाँ पर है? मिल गई। Yes. रुक 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 जा दोस्त, एक काम करना, मुझे भी देना यार। ए, जा पका मत। ए, मेरा दोस्त है ना, प्लीज। बोला ना, निकल यहाँ से। ए, तू सब कुछ जानता है ना? उस लड़की की डिटेल निकाल कर दे। अरे हाँ यार, उस लड़की की डिटेल्स तो मुझे मिले ही नहीं, वो कैसे मिस हो गई? मैं दूं क्या? हाँ बता ना। उस लड़की की उंगली में सोने की अंगूठी पहनाने के बहाने पीतल की अंगूठी पहनाकर पटा लिया। नाखून में सांभर का निशान है, कंधे पर साबुन का झाग है, 3 दिन पहले जिस साबुन से नहाई थी, बालों में 13 जुए रेंग रही है, उसमें से एक कान के पास से निकल रही है। सही बोला ना? तेरे फोन पे नहीं है ना? नहीं। उसके पास मोबाइल नहीं है, ओनली लैंडलाइन। मेरे घर की काम वाली है, उसको अंगूठी पहनाकर पटा लिया। अरे नहीं नहीं, उल्टी मत कर, यहाँ कई लोग काम वाली को लेकर ही आए हैं, बाकी सारे भिखारी है, हीरो बनने की कोशिश मत कर। ची, ची, चल। अरे रुक, मेरी बात तो सुन। Excuse me. तो वही है केला फ्रेंडली रेखा। राजेश कल जो किस किया था वो मजेदार था। ए, तुम कौन हो? ये पहले इससे पूछ के राजेश कौन है। आया ये कौन से राजेश की बात कर रहे? कसम से मुझे नहीं पता, वो झूठ बोल रहा है। Hey Siri. I am listening. What's up, Sid? मेरे सामने जो खूबसूरत लड़की बैठी है, उसे मैं पटाऊं कैसे? Sorry,
I'm afraid I don't understand. अबे जब हिंदी आती नहीं तो इंडिया में फोन क्यों बेचते हो? How to pick up a pretty girl next to me? Sorry, I can't be able to do that. Can I call pretty girl next to you? हाँ हाँ बिंदास। Hello. Hey gorgeous. Hey, it's my personal number. तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हारी पूरी डिटेल है। तुम्हारे घर के हॉल में एक बंद घड़ी पड़ी है। तुम्हारे डॉगी का नाम था टॉम, बड़ा दिल फेंक था, पड़ोस की बिल्ली पर दिल आ गया तो उसके साथ भाग गया। तुम्हारे बेड के राइट साइड के ड्रॉअर में एक रेड कलर की पर्सनल डायरी है। उसके थर्ड पेज की सेकंड लाइन है, आई विल फाइंड हिम, राइट? तुम्हारा परफ्यूम बड़ा अच्छा है, कुछ ही कोको, और मेकअप में बॉबी ब्राउन फाउंडेशन, मैक लिपस्टिक, अर्बन डी के आई शेडो, विक्टोरिया सीक्रेट ब्रा, स्ट्रैपलेस, जस्ट रुपीज 5086.33, जीएसटी एक्स्ट्रा। तुम्हें कैसे पता? पता चल जाएगा, बस देख दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज। अब वो लड़का उसे थप्पड़ मारेगा। तुमने मुझे धोखा दिया। What? Oh my God! तुम ये सब कैसे कर लेते हो? और कुछ जानना चाहोगी? हाँ। पर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, नजदीकियाँ बढ़ानी होंगी। ओके। हग वाला गले लगा लूं? हे। अरे बिना चार्जिंग के तो फोन भी नहीं चलता, तो मैं कैसे चलूं? ओके। रूल नंबर वन, किसी भी लड़की को छू सकते हो, पर उसे छूने से पहले उसके दिल को छूना चाहिए। आज घर में इतना अंधेरा क्यों है भाई? बिल भरना भूल गए? आजा बेटा, आजा। स्टेट छोड़कर स्टेट में वापस आकर प्यार करके शादी की, बेवकूफ एक नंबर का पागल निकला। एक पागल को झेल नहीं पा रही हूँ और ये दूसरा पागल भी। इस साल भी हर सब्जेक्ट में फेल होने वाले मेरे प्यारे बेटे को हैप्पी बर्थडे हजार पप्पियों के साथ। चुप, तेरे अलावा ये हिस्ट्री कौन बना सकता है बेटा? चल काट। मुझे नहीं, केक को काट। मेरी किस्मत ही ऐसी है, बाप भी ऐसा और बेटा भी। बेशक लोग। कैसा है रे? खट्टा खट्टा लग रहा है। इसमें तेरे बाप के आंसू हैं, खट्टा नहीं खारा लग रहा होगा। कितने फिल्मी हो, आपके फ्लॉप डायलॉग से लोग पक चुके हैं, आप कुछ नया देखा लोगों के बीच में आपका कैसा मजाक बन गया? बेटा मजाक तो अब तेरा बनने वाला है। हे ब्रो, हाय ब्रो, आजा। चिंदी मार्क, कितनी बार बिकेगा तू? 20 रुपए की कबाब बिरयानी के लिए बिक गया क्या? तो कुछ भी बोल रहा है, मंत्री के घर में शादी हो और वहाँ वेजिटेरियन खाना हो तो मत जा, लेकिन उसी वक्त किसी छोटे से अनजान घर में शादी हो, वहाँ बिरयानी बनी हो तो जरूर जा। ये फॉर्मूला मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, मेरे दादा परदादा यही करते थे। दिमाग की नस मत फाड़। तू कभी समझ नहीं पाएगा, ये बात तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये बात तो वही आदमी समझ सकता है जो रात और दिन बिरयानी के प्यार में पागल हो और अपनी जान भी दे सकता हो, समझा क्या? जा तू। ए, खिसक गई है क्या तेरी? बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। चेन उतार कर नहाने गई थी, बाहर आने तक तुमने मेरी चेन बेचकर मोबाइल खरीद लिया। एकदम मस्त बनाया ना। तुम सब लोग कभी नहीं सुधरोगे। ओए गंदा लड़का। अरे चुप करो, अपना मुंह बंद करो, क्या चेन चेन करे जा रही हो? चेन पहनाने वाला पति तो भाग गया, यूजलेस फेलो। और इतना ही नहीं, उस चेन में ना पीतल मिलाया हुआ था। उसे बेचने गई तो उस मारवाड़ी ने मुझे गंदी गालियां दी। तुम्हारी बेटी होने के नाते और कितना सुनना पड़ेगा मुझे? हाँ अच्छा हुआ घर के राशन के पैसे थे तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अरे बाप रे, तूने वो भी चुरा लिए? किस तरह की लड़की है तू? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे, कबक लाएगी तुझे। कौन समझाए इसे? हम सब उस कुत्ते को उठा लेंगे, पता है क्या? ए, टूटे दांत वाले रोमियो। टूटा दांत? टूट वूट क्या होता है, थप्पड़ मारूंगी एक। तेरे जैसे बच्चों के साथ रह के ये बिगड़ गई है। हाँ हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, पूरा दिन बस लॉलीपॉप लेके घूमती है, है ना? उस मारवाड़ी की अंगूठी चोरी करके आ गए, पता है तुम्हें? ए, चुप कर, ऐसी बकवास की बातें करना बंद कर। अरे माँ, इतना सारा खर्चा हो गया लेकिन हुआ किस पर? तुम्हारी बेटी पर ना। चलो हंसो।
देख के चला, कहाँ जा रहा है भाग कुत्ते में? ऑटो वाले भी लोग। मेरा बैग लेकर भाग गया, चोर पकड़ो। ये क्यों चल रहा है? ये किसका बैग है? कार बहुत स्पीड में थी, साइड में जा रही बाइक वाले को उड़ा दिया इस औरत ने। हेलो, प्लीज कैसे भी मुझे बचा लीजिए। अरे पीछे हटो। आपने जैसा कहा था वैसे उसे मार डाला मैंने, लेकिन मैं खुद को बचा नहीं पाई। पब्लिक जमा हो गई है, पुलिस भी आ गई है। चढ़ने के लिए कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आता। अरे ऐसे सिर्फ 1500 रुपए के फाइन पर इजीली बाहर आ सकते हैं, बाकी मैं नहीं। हेलो 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 मैडम, दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा हूँ ना, ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। आप बाहर आ रही हैं या फिर मैं दरवाजा तोड़ दूँ? मैडम सर मैं बात करूँ? बोने रे तू, मुझे बात करने दीजिए ना। चलो पीछे हटो। मैम भीड़ मत करो। मैम मैं पीछे हटो, शांत शांत। मैं आपको बाहर निकालूंगा, कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप बस दरवाजा खोलिए आराम से। मैं कुछ नहीं करूंगा, आइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करूंगा। मैम ये लीजिए पानी। मैंने कुछ नहीं किया, समझ सकता हूं। उन लोगों ने कहा था। किसी और ने बोला था? हाय सेठ, मुझे अभी मिलोगे? आज तो ये पूरे हथियारों के साथ लैस है भाई। हाय। अरे वाह, टैटू अच्छा है। मीठे मीठे चेरी। एक बात कहूं, मुझसे ना हो पाएगा? ये प्यार वार का चक्कर मुझसे नहीं होगा। बाद में ये मत बोलना मैंने तुम्हें धोखा दिया, पहले ही बोल रहा हूँ। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती सिद। अरे ऐसे ही मजाक किया सिद, ये प्यार व्यार पे मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर इस रिलेशनशिप का क्या नाम है? चिका चिका फ्रेंड्स। टाइटल एकदम मस्त है। फिल्म तो उससे भी ज्यादा मस्त है। चलो। अच्छा एक बात बता, लोग दिल की बात समझ लेते हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन घर के अंदर क्या सामान है ये कैसे पता? कैसे पता चला? ऐसे चिक्का चिक्का फ्रेंड्स, चिक्का चिक्का फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वायरस में आ जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन वायरस के पास है वो मेरे पास आ जाती है। खट्टा मीठा है। जीनियस, बहुत जल्दी तो इस दुनिया को मिटा देगा। हाँ पक्का, पर पहले किस। हे, मेरा फोन कहाँ है? फोन अंकल। हेलो अंकल, इज एवरीथिंग ओके? मुझे तुमसे जल्दी मिलना है अंकल। अंकल क्या हुआ? क्या बात है, छुपी हुई तिजोरी? अच्छा नोट है इसके पास? ठीक है अंकल, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके अंकल, सिद्धू गेट अप। आ जाओ, गेट अप। आई सेड क्यों
आ गया जिसका हमें इंतजार था। आ जा बेटा। मुंह पर दूंगी। सड़क क्या तेरे बाप की है? गाड़ी तो ऐसे चला रहा था जैसे घर पे चला रहा हो। तेरी वजह से मेरा फोन टूट गया, बेवकूफ कहीं का। फोन तोड़ दिया? उस दिन पहले पता होता उसमें फोन है तो बैग वापस ही नहीं करता। लेकर जाने की बात कर रहा है? दीदी ने कितनी मेहनत से खरीदा है पता है तुझे? जवाब में मार भी नहीं सकता हूँ इनको मैं। बच्चा छोटा, इसको क्यों? बच्चा कहा इसने? ये क्या रोमियो, सारी दुनिया तेरा मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाया? क्या सोचकर तूने मुझे बच्चा बुलाया? दीदी बाइक पे बिठाओ। रुक। क्या है? क्या सोचकर तूने मुझे छोटा बच्चा बुलाया? वो भी मेरे गर्लफ्रेंड के सामने। सॉरी बॉस, तेरी सेटिंग है क्या? ए, तू इसको पटाने की कोशिश मत कर समझा। मुझे अभी कहीं से भी नया फोन ला कर दे दे समझा। तू नहीं देगा तो मैं तेरा फोन यूज़ करूँगी। ला दे। मम्मी मर गई। दीदी पर इसने मुझे तो छोटा बच्चा कह के बुलाया ना। क्या हुआ अंकल? वंदना, आप इतने परेशान क्यों? उन लोगों ने फिर से धमकी देके मेरे अकाउंट से सारे पैसे ले लिए। पैसा गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सुख चैन छिन गया है। मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ करो बेटी प्लीज, नहीं तो मेरे सामने मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। उन लोगों को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। आपका कंप्यूटर जो हैक हुआ था उसकी हार्ड ड्राइव लाने को कहा था, वो लाए क्या? हाँ, ये लो बेटी। ओके अंकल, मैं अभी सिद्धू से बात करती हूँ। हेलो। हाय सिद। हाय। मेरी एक हेल्प करेगा? एक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के जरिए वो कंप्यूटर कहाँ से एक्सेस हो रहा है ये पता लगा सकता है क्या? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एफबीआई के बाद ये काम मैं ही कर सकता हूँ। तुम घर पे आ जाओ ना। युद्ध को पसंद आए ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं आ रहा। चैनल बदल देता हूँ, इसमें तो वर्कआउट आ रहा है। एक चैनल नहीं देख सकते क्या? रिमोट को तोड़कर खा लोगे। रुक जाओ, कोई नॉलेज देने वाला चैनल देखना चाहिए ना। वाओ। तो तुम्हें देखकर कोई बाप बेटा कहेगा? माँ, मैं तो कपड़ों की तारीफ करने वाला था। अरे तेरी, उसने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। मैं इसकी तरह झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस लड़की को ही देख रहा था। राव साहब, क्यों देख रहा था ये भी सुन लो, क्योंकि उसकी बॉडी मेरी बॉडी की तरह एक्सरसाइज की हुई टोंड बॉडी है। ये टोंड बॉडी है? वाओ, तुम्हारी बॉडी टोंड है? टोंड निकली हुई है? टोंड नहीं है, स्टाइल है। इसे लोग बियर बेली कहते हैं, तू क्या जाने। यस सिद्धू है क्या? मैं सिद्धू का छोटा भाई हूँ, बोलिए। हाँ? मजाक कर रहा था, मैं सिद्धू का बड़ा भाई हूँ। डैडी, इसको कुछ भी बोलते हैं। कम वंदना, मेरे डैड है, बहुत मजाक करते हैं। यू अंकल? आप तो चुप ही रहिए। वंदना, तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। अब देखना। सिद्धू ये लो हार्ड डिस्क, जिसने इसे हैक किया है उसको हम ढूंढ सकते हैं। श्योर, लेकिन इससे पहले इस हार्ड डिस्क को हैक करने वाले के आईपी एड्रेस को ढूंढना पड़ेगा। जब कोई किसी को हैक करता है तो वो अपनी पहचान को किसी हार्ड डिस्क के किसी कोने में जरूर छोड़ता है। उसे कहते हैं की लॉकर्स। ओके, सिंपली बोलूं तो जब कोई खून करता है तो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो उसका आईपी एड्रेस भी ढूंढ लेंगे। आईपी एड्रेस फाउंड। मिल गया। आईपी एड्रेस मिल गया, अब उसे भी ढूंढ लेंगे। Access denied. What the fish? Oh no. Firewall protected. Firewalls की इतनी लेयर? Firewall कंप्यूटर का बंद दरवाजा होता है, उसे खोले बिना ये पता नहीं लगा सकते कि उस दरवाजे के पीछे कौन बैठा है। नॉर्मली घर पे इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर में इतनी सारी प्रोटेक्शन नहीं होती है। कौन हो तुम लोग? हा? और क्या छुपाना चाहते हो?
देख लेंगे। तुम अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, समझे ना? सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया। ये जस्ट एक एक्सीडेंट केस है। 1500 का फाइन भरेगा तो इजीली बाहर आ सकता है। हे, अपना काम कर। हे, रोना बंद करो। समझ में नहीं आता क्या? हम सब देख लेंगे। Yes! कोई हमें हैक करने की कोशिश कर रहा है। अरे पर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? सारे राउटर पर जल्दी से चेक करो। What happened? जल्दी से रीस्टार्ट करो। चल रहा है। Come on guys! कुछ पूरा हैक हो गया। अरे हो क्या रहा है? कैसे हो सकता है? कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा। कौन है देखो। अगले 30 मिनट्स में हम पता लगा लेंगे। वो लोग हमें ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। दोनों के पास 30 सेकंड। देखते हैं पहले वो हमें ढूंढता है या हम उसे ढूंढ लेते हैं। शिवम, इन लोगों ने आईपीएस प्रूफिंग किया है। एक ही जगह पर दुनिया का हर लोकेशन दिख रहा है। सेकेंड लेयर भी ब्रेक हो गया। वो लोग हमें इंडिया से हैक कर रहे हैं। 20 seconds। ये आखिरी लेयर है। अगर उन्होंने इसे ब्रेक कर दिया तो वो हमें ढूंढ लेंगे। Come on। तमिलनाडु। चेन्नई। 2 seconds में हमें पता चल जाएगा। Yes, come on. IP address located. Yes. Oh no. चलो निकले यहाँ से। Cut. इतने प्रोटेक्शन के बाद भी उसने हमें कैसे हैक कर लिया? समझ में नहीं आता। शे कौन है इतना शातिर? ढूंढो उसे। इससे पहले वो हमें ढूंढते हुए यहां आ जाए, उसे ढूंढ निकालो। इतने दिनों से वो हमें बाहर ढूंढ रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया। अब वो हमें ढूंढने हमारे अड्डे पर आएगी, उसे जाने मत देना। मैं पहले जाता हूँ। वाशे भाई, एग्जाम देने जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिए ना। थैंक यू वाशे भाई। हाँ ठीक है। वाशे भाई, मेरे को लेफ्ट हैंड। चलो कोई बात नहीं, थर्मोकोल से कुएं का पानी ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन तेरे लेफ्ट हैंड को मैं किस करूंगा तो तू मुझे बचा लेगा। ये हटाला। अरे क्या कर रहे हो? पायला को सर जी, अरे इसमें का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जान है इसने अभी मेरा पैर क्यों पकड़ा है? जो क्लास 2 टाइप के लोग मिल गया, इस सेमेस्टर में हम सब पास हो जाएंगे। वो बादशाह नहीं जो चोरी का माल खुद इस्तेमाल करे। क्या पेपर। हेलो, मुझे भजिया नहीं पसंद है, चल इसके बदले खीर दे। कितनी बार बोल चुका हूँ कि हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? अरे मैडम, सब कुछ काउंट किया हुआ है। ये तो
नहीं कुछ नहीं कुछ। जिस तरह मुझे भजिया पसंद नहीं है उसी तरह किसी को खीर पसंद नहीं होगी, उसको दे देना। किसे क्या पसंद है ये देखना मेरा काम है। ओ, तो इसके अलावा तेरे पास और क्या काम है? शाम को कलेक्टर का काम करता है क्या? ज्यादा बात करोगी तो प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा। तो हम नहीं कर सकते क्या? अब देख, अरे अरे देखो देखो कितना लंबा बाल है खाने में। सबके सामने शर्मिंदा मत कर, कॉलेज का फर्स्ट डे है यार, यहाँ सीनियर्स रैगिंग करते हैं जूनियर्स नहीं। तू चाहे तो हम पांचों की खीर ले सकती है। मुझे अपनी खीर क्यों दोगी? इस दुनिया में तो न्याय खत्म हो गया है। तुम सच में लड़की हो क्या? मुझे भी इस बात पे शक हो रहा है। चल चल यार, चल तू यहाँ से, रुक जा, झगड़ा कर, चल चुप हो जा, चल मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल चल, शायद वो सच बोल रही है, सही में। चल मिलते हैं। हाँ चलते हैं, वो गई क्या? चल, तू इधर ही पड़ता है क्या? तू मेरे हाथ से गया समझ, मैं क्या करती हूँ देख। तू तुझे तो मैं छोड़ूंगी। मेरा फोन। हाय। क्या? हेलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्यारे फोन से बात कर रहा हूँ। चल हट। नखरे। Hey Siri. क्या? Hi Siri. Hi Sid. I am listening. I miss you so much. जाना यार। Miss you a lot too. सुनो मेरी जान, हम दोनों भाग चलें। हम दोनों भाग चलें क्या? Hotel Ring Road Central is in Ghana 11. ये बेशरम Siri, चार्ज लगाकर मैं रखती हूँ और तू बात उससे करती है? तुझे तो ना मैं छत से फेंक दूँगी आज। आज के बाद जो तुम लोग कहोगे मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं अपने आप को मारने जा रहा हूँ। हेलो। हाय सिड। हे, आज शाम को मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। थैंक यू। अरे कहाँ पर हो तुम? मैं इधर ही हूँ। तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? जरूरी काम था। अरे ए, दिखता नहीं है क्या? सिग्नल है अंधा कहीं का। ए, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी आओ। हाँ। यहाँ पर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। शहर में इस तरह की मौतें बहुत हो रही हैं। अजीबो गरीब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये देखो, जिन लोगों की मौत हुई ये उनकी तस्वीरें हैं। ये देखो सिड, यार मैं तुझे कह रही थी ना उस दिन की बात। वो क्या हुआ? ये किसका काम है? कोई नया वायरस लगता है। Yeah.
अरे पागल हो गया तुम लोग? वो देखो, क्या होगा? क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाता है। टायर फेंकने से उनके बीच में करंट बंद हो गया जिससे ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो गया। सच में मुझे बहुत दर्द हुआ। तुझे देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है, गूंगे और एक परजीवी की, प्योर ज़ॉम्बी स्टोरी। लिक्लोडियम पैराडाइज करके एक परजीवी है जो कभी मरता नहीं है, लेकिन मरने का अक्सर नाटक करता रहता है। बिल्कुल पागलपन है ये, पागलपन। उसके बाद गूंगे के दिमाग के अंदर जाकर उसे परेशान करता है, उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल रहता है, पानी पीने से लेकर बाथरूम जाने तक उसी का कंट्रोल रहता है, वो उसी की बात मानता है, उसी की बात मानता है। एक दिन वो परजीवी गूंगे को पेड़ पर लेकर जाता है, तुम्हें लगता होगा वहाँ उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। पर ऐसा नहीं है, वहाँ चील कौओं को खाने के लिए गूंगे के साथ अपने आप का बलिदान करता है। तुम सोच रहे हो कि कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ कौए के पेट के अंदर जाकर अंडा देकर अपने जाति की जनसंख्या बढ़ाता है, वो वापस आएगा। मौत हुई सिर्फ गूंगे की, सिर्फ उस कौए की। But you are immortal, immortal. तू कभी भी मर नहीं सकता। मेरा फोन भी हैक कर लिया। कौन है ये बंदा? जरा ढूंढे इसे। क्या कर रहा है यार? बादशाह वायरस बना रहा हूँ। लड़कियों की मन की बात जानने के लिए लड़कों का एकमात्र साथी। एक क्लिक में लड़की इन। अच्छा, किसी को भी पटा पाएंगे? गधे, तेरी वजह से ही इतना बिगड़ गया है। Thank you.
सुनना, कल सुबह अन्नु की पुण्यतिथि है, याद है ना? याद है यार, कैसे भूल सकता हूँ। अपने आप को समझती क्या है? ए, तेरी जेब में क्या है? चल चल उसको पकड़ के लाओ। अबे छुट्टा किधर है? इधर आ चल, निकाल। नहीं है। अरे ये क्या है? पास होने के लिए है, ये मंदिर वाले पंडित जी ने दिया है। चल हट, अब ये मेरा हो गया। ये लो, अब हट लो, अब आएगा मजा। चलो चलो। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा? छोड़ मुझे। ये क्या चीज है? यही है सोडियम। केरोसिन के अंदर रहने पे ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर बाहर आया और इसके ऊपर एक भी बूंद पानी पड़ा ना, तो अंदर पहनी हुई चड्डी तक जल जाएगी। ये ले, ये पंगा मत ले, बचपन से लेता हूँ। ये बहुत पड़ेगी तेरे को। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी। किसी भी लड़की को ऐसे धक्का मारेगा? एक मिनट, मेरे हीरो जैसे दोस्त पे चांस मारने के लिए तू झगड़ा कर रही है? अपनी शक्ल देखिए आईने में। अरे ये सब क्या? आपको कलिंगर हुआ है? अरे मम्मी आ गई। मम्मी जस्ट जोकिंग रे, ये देखो। तुम्हें तो कुछ नहीं आता। अरे ये देखो ऐसे करते हैं। अरे वाह। अरे ये फोटो फेसबुक पे मत डालना। अरे उसका नंबर देना। चुप कर पागल कर। अरे देना यार। मैं नहीं देने वाली। अरे अन्नु रुकना, मैं जा रही हूँ। Hi Hansel. Hi. Meet my friend. I saw your pictures. How are you? Uncle, ये राकेश है। Nice meeting you. बैठो बैठो। तुम भी वही कॉलेज में पढ़ते हो ना? जी। लो। पता नहीं, आज खुशी से चिल्लाकर रोने का मन कर रहा है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ए। Please. Come on. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ए, लोफर निकल ले, धोखा देगा तुझे। शट अप। ओके सुन, उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए उसका मेल आईडी और फेसबुक आईडी। क्यों, तू उसे भी नहीं छोड़ेगा? अरे अन्नू सुन तो। मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी। सॉरी यार, उस दिन मैं नर्वस हो गई थी, इसलिए अनजाने में मत। अब तुम्हारे मेरे बीच सब खत्म हो गया। प्लीज। Hey Rakesh, you just have it now? Yeah, yeah. Sex ही सिर्फ life है क्या? तो क्या love सिर्फ life है? Rakesh_87@gmail.com। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। अरे छोड़ ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब केमिकल रिएक्शन है। बचपन ही ठीक है, तब ये केमिकल्स हमें होते नहीं है। बड़े होते ये केमिकल्स हमारे दिमाग में अलग अलग किस्म के फितूर डालते रहते हैं, जिससे हमें लगता है प्यार सब कुछ है। अगर प्यार करना ही है तो अपने माँ बाप से करो या खुद से करो, उसके अलावा कोई प्यार नहीं होता। हे, देख लेडी देवदास। क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया क्या? और क्या होना था? हे, पहले ही बोला था वो अमेरिकन नहीं, सड़क पे पानी पूरी बेचने वाला लगता है, लेकिन तू हमारी बात मानती नहीं। हे अनु। अरे वो दो स्टेटस डाल के ठीक हो जाएगी, चल तू टिकट बुक कर। अरे अनु यार दरवाजा खोलो। अरे पागल, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। छोड़ जाते हैं, लगता है पागल हो गई है। चल। Your exam starts now. Good morning, sir. Hmm. अरे रे, कुछ नहीं आता, जरा दिखाना। चल हट। नकचड़ी लड़की। ए सिद्धू, सिद्धू, थोड़ा दिखाना प्लीज। अरे अभी तो टेस्ट शुरू हुआ यार। अरे कुछ नहीं आता प्लीज। अरे प्लीज थोड़ा तो दिखा दे। अरे माँ कसम, ये क्या है? तू मत देख, तू मत देख। अरे ये क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं चाहिए। अभी देख, अभी सही आएगा। सर, सर, आई गॉट J टू द A टू द V टू द A जावा।
आउटपुट पास कर दो एक नंबर पे। भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज। तू फर्स्ट ईयर में क्या? हाँ। अरे इसका मतलब मेरी फोन वाली भी यहीं कहीं बैठी होगी। हे भगवान, मेरे दिमाग की तो बत्ती नहीं जल रही है, मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं तो गई गांव से। ये क्या? भगवान की लीला तो अपरंपार है। नहीं नहीं, ये तो किसी और ने किया होगा। किसने किया? ऐसा ही हूँ मैं। एक तेरा काम है। देखो तो कैसे शर्मा रहा है। सर, उसने चीटिंग की है। और ये चश्मेश भी ना उसका पार्टनर है। नहीं, झूठ बोल रही है, चीटर है। चलो तुम दोनों प्रिंसिपल के पास। अरे फसादी। इन दोनों को इस कॉलेज में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। कैसे बच्चे हैं ये? छी, लेकर चले जाओ। क्या कहा? लेकर चले जाओ? तुम लोगों को जब इस कॉलेज में पढ़ने का हक नहीं है तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। अरे हाथों से मार डालूंगा तुम्हें। मर जाओ। मेरा बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। मर जाओ। क्या कर रही है? और जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी मौत की वजह ये जो भगवान है, इस भगवान की बीवी, मेरी बीवी और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा सुसाइड नोट में लिख कर मर जाओ। सर, आपकी बीवी का नाम बताइए ना सर। इज्जत से बात कर। और तुम लोगों के मरते ही इनका पूरा परिवार जेल जाएगा। जेल? 15 दिन रिमांड पर रहेगा, सड़ा हुआ खाना खाएगा। अरे जरूरत पड़ी तो तुम्हें सुधारने के लिए ये भगवान और उसका परिवार फांसी पर भी लटक जाएगा। फांसी पर भी लटक जाएगा? इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है ना सर, हम किस टाइप की फैमिली को बिलोंग करते हैं। मैं बोर्ड में स्टेट फर्स्ट था, 12वीं में स्टेट फर्स्ट था, कॉलेज में डिस्टिंक्शन लेकर आया हूँ मैं सर। अरे रे, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, और अगर ये नहीं पढ़ेगा तो इसे मरना होगा। छोड़ मुझे, तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अगर आप कहें तो कमिटी में बात करके एग्जाम को 6 महीने के लिए बैन कर देते हैं। क्या कहा? 6 महीने? मुझे इस कॉलेज में मार डालो, मार डालो। रुकिए रुकिए रुकिए, उन्हें पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं, उन्हें लेकर यहाँ से चले जाइए। कंफर्म है ना? 100% कंफर्म है। चलो रे, निकल यहाँ से, इसके साथ दिखना मत। मिल गई तुम्हें खुशी? देख लिया मेरे पापा का गुस्सा? पता नहीं कल तक मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। I'm so sorry. Hey, इससे क्या बात कर रहा है? तू घर चल, अभी बताता हूँ तुझे। चल। I'm really happy यार, I'm really happy. खुश क्यों रहे? इतने दिनों से तुझे मारने की इच्छा हो रही थी और मैं डर रहा था कहीं तू बदले में मुझे ना मार दे। आज तो जी भर के मारा तुझे। पापा, आपकी उस मार ने ना लड़की के दिल में प्यार के द्वार खोल दिए। प्यार के द्वार? फिर गड़बड़ कर दी। क्या कहूँ, मुझे तो ठीक से बुराई करना भी नहीं आता। पापा, आपने मुझे इतना मारा पर मुझे एक बार भी चोट नहीं आई। आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं है। देखा, इमोशनल होके आंखें नम हो गई ना। मेरे लिए प्यार आंखों से बह रहा है। ये शेर कभी होता नहीं है। अच्छा, शेर? शेर तो ढेर हो गया। अच्छा बाबा, सॉरी, अपने आंसू तो पोछ लो। ए, सच में उस लड़की को प्यार हो गया है ना? नजर मत लगाओ, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। ठीक है, तेरी माँ से कह के नजर उतरवा देंगे। अरे क्या कर रहे हैं पापा, सबके सामने कोई देख लेगा तो? कोई देख लेगा तो क्या? तू मेरा बेटा है, कोई भी देखे मुझे परवाह नहीं। मैं पप्पी करूंगा, पापा बात करूंगा। अरे गुंडागर्दी हो रही है पापा, अरे गिर जाएंगे। तुमने सिद्धू से बात की? उसकी हेल्प के बिना हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं वंदना। समझ गए आप? इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। जो डांस करने में आपको मजा आता है वही डांस करने के लिए रेडी हो जाइए। तो क्या तैयार हैं आप सब? All you people, are you ready? Let's rock, come on! शिवम, तुम्हें 30 फीट की दूरी पर आना पड़ेगा, तभी हम हैक कर सकते हैं। बहुत अच्छे।
छोटी गर्ल हमेशा गेम खेलती रहती है। लाओ फोन मुझे दो। पता नहीं क्या। Everything will be fine, uncle. Please. आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ लेंगे। अपना नेक्स्ट टारगेट यही है। तो प्लान क्या है? सिंपल। उसको हार्ट अटैक आने की वजह से उसके दिल पर पैसिफिक रखा है। पैसिफिक क्या होता है पता है? जब दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं तो उसे नॉर्मल आने के लिए पेसमेकर उसके दिल पर करंट पहुंचाती है, जिससे दिल का हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, पर हम ये कैसे कर पाएंगे? इसी स्पेसमेकर को हम हैक करने वाले हैं, क्योंकि स्पेसमेकर भी एक साधारण फोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका भी एक नेटवर्क है। हमें किसी भी तरह उसे हैक करना है, फिर उसके दिल पर कितना करंट पहुंचाना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो अगर हमने उसे ज्यादा करंट दिया, हार्ट, अंकल क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? अंकल आप ठीक तो हैं? Yes, good. Yes, yes, so fine. Come on, guys. Come on, come on. अंकल आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। चलिए अंकल हॉस्पिटल चलते हैं, एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। नहीं बेटा। अंकल 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 क्या हो रहा है आपको? के पास चलते हैं। नशा तुझ में है वो नशा इस शराब में कहां, वो नशा इस शराब में कहां, इस शराब में कहां। सुनिए मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। शैंपू की खुशबू क्या एक बात जरूरी है? बात करनी है कहां ना। ओके ओके बोलो। सिद्धू के बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा है, उसकी मस्ती उसकी बदमाशी की कोई लिमिट नहीं। हम दोनों यो यो बॉयज हैं, ऐसे ही रहते हैं। वो क्या क्या गलतियां करता है पता है? मेरी बात सुनो, जितना तुम उसे जानती हो उससे बेहतर मैं उसे जानता हूँ। एक उम्र के बाद जवान लड़के गलतियां करते हैं, उसके मुकाबले वो जो भी कर रहा है बिल्कुल बराबर कर रहा है। और अगर वो अभी गलतियां नहीं करेगा तो कब करेगा? मेरे मरने से पहले मुझे उम्मीद थी आप एक अच्छे पिता बन जाएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं रही। ए, ये आजकल के बच्चों को 10 साल की उम्र होने तक माँ बाप की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ती है पैसे देने वाले एटीएम मशीन की, बस इतना ही। लेकिन उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, उन्हें जरूरत पड़ती है एक फ्रेंड की, इसीलिए एक अच्छे फ्रेंड की तरह मैं उसके साथ रहता हूँ। उसके साथ बैठकर पीने के लिए? क्यों, उसमें क्या गलत है? एक बात कहूँ, मैं आपके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है। आपका क्या है, आप तो बाप है ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको उससे प्यार ही नहीं है। ये क्या,
तुम हमेशा प्यार नहीं है कहती रहती। सच कह रही हूँ, आपको ना प्यार है ना जिम्मेदारी। तुम क्या जानो मेरे प्यार के बारे में? तुमने सिर्फ 9 महीने उसे अपने पेट में रखा है। मैंने उसे अपना सब कुछ दिया है। तुम्हारा खाना खिलाना, रात को उसे सुलाना, ये सब दिखाई देता है। लेकिन मेरे जैसे बाप का प्यार तभी दिखाई देता है जब वो बच्चा बीमार पड़ता है। उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर अस्पताल ले जाकर, सिस्टर सिस्टर, डॉक्टर साहब मेरी जान चाहो तो ले लो, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लो, ऐसा जब कहता हूं तब दिखता है एक बाप का प्यार। लेकिन तुम जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उस बच्चे के साथ बैठकर आंसू बहाती हो। बाप जब अंदर रोता है तो उसके आंसू नजर नहीं आते। आजा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, अपने मरते दम तक मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा बोलता है वही होता है बाप। लेकिन ये सब बातें तुम नहीं समझोगी। एक बाप का प्यार बियर की बोतल जैसा होता है, उसे हिलाने पर ही वो बाहर आता है, समझी तुम? जब भी देखो ये करो वो करो, दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती हो। जिंदगी एक दूसरे पर विश्वास करके ही जी जाती है। मुझे अपने बच्चे पर विश्वास है, और किसी को हो ना हो मुझे परवाह नहीं। दुनिया में जब बुरे लोगों का भी अच्छा होता है तो अच्छे लोगों का अच्छा क्यों नहीं होगा? सब अच्छा होगा। सुनो, अगर मेरे बच्चे के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दूंगा। हमेशा हंसने खेलने वाले को जोकर समझने की गलती मत करो। Really sorry. हेलो सेठ, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। hey, मैं किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ, फोन रखो। hey, please, सेठ, मेरी बात जरा सुनो तो। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारी जान को खतरा है सेठ। जब देखो खतरे की स्टोरी सुनाती रहती हो, फोन रखो। चलो सेठ। मुझे ढूंढकर बहुत परेशान हो गई हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे कार के अंदर आ गया। कैसे आया यही सोच रही हो ना? वो क्या है कि आजकल के मॉडर्न कार्स में ना एक छोटा सा कंप्यूटर रहता है। तुम्हारे कार में भी। जहाँ कंप्यूटर रहता है हम भी वहीं रहते हैं। Let's play. Shit!
क्या करूं, तू मेरी बात नहीं मान रही है ना। मुझे माफ कर दो, आज के बाद तू मानेगी? छोड़ दो। नहीं मानेगी, चल जा। अरे क्या पढ़ रहा है तू? शांति से पढ़ने देना। एग्जाम आ रहा है, जुगाड़ शुरू करना। अब से नो हैकिंग नो चीटिंग। मैं सुधर गया हूं। क्या सुधर गया है? हमें सुधर के क्या मिलेगा? हम जिन नेताओं को वोट देते हैं उन्हें सुधरने की जरूरत है। पहले वो सुधर जाए, बाद में हम सुधरेंगे। हजारों का कर्जा लेकर देश छोड़कर भाग गए हैं, उनको सुधरने दे। वो सुधर जाएंगे, उसके बाद हम दोनों सुधर जाएंगे। हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी लोग पीकर गाड़ी चला रहे हैं और मर रहे हैं। बस एक बार वो लोग सुधर जाए, उसके बाद मैं और तू, हम दोनों सुधर जाएंगे। ठीक है? ए फालतू की कॉमेडी मत कर, मैं ये सब नहीं करने वाला। एक बार बोला ना सुधर गया हूं, मतलब सुधर गया। मुझे पता है, सबकी वजह वही है। पापा के सामने हमारी बेइज्जती करवाई, एक बार वो सामने आ जाए उसको तो मसल के। ए वो आ रही है, आकर सारी सिद्धू बोलेगी। अगर उसके साथ तूने प्यार से बात की ना, तो हम दोनों की दोस्ती खत्म। सिद्धू, सिद्धू क्या? शराब पियोगे क्या? क्या? शराब पियोगे क्या? हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है, समझी ना। शराब ही तो है। नहीं गए गुजरे, शराब वाली पार्टी के लिए तो गए गुजरे हैं। चलो पार्टी करते हैं। चीयर्स। चलो चलो चलो, अच्छे बच्चे की तरह पी लो, पी लो, पी लो, पूरा पी लो। और अब ये नींबू, खट्टा खट्टा। असली मजा तो खट्टे में। सिद्धू आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए शराब पी है। मेरा बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था, जिसके बाद से मुझे मर्दों से नफरत और औरतों से। छे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा ना, तो मुझे बहुत सुकून मिला। वो एकदम रियल जेंटलमैन है यार। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे पापा तुम्हें मार रहे थे ना, तब मुझे कुछ अजीब सी हलचल सी हो रही थी, और मुझे बस यही बोलने के लिए मैंने शराब पी है। और ये शराब तो पानी जैसी है, लेकिन ये पीने के बाद भगवान से जो भी मांगोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा। तो जो मांगना है मांग लो। इंग्लिश में बात करना चाहते हो? I want to talk in English only. चलो पियो। देखो अब इंग्लिश में ही बात करोगे। Most is the secret of my energy. मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, रोना आ रहा है। और पियो ना। ठीक है पीता हूँ। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने क्या किया? उसने मेरा फोन तोड़ दिया। फोन तोड़ दिया? उसका फोन लो। जानते क्यों? फोन ले लेके अरे यार देख नहीं रहा, ये लड़की पान के साथ बैठी है। तू तो रुक, क्या पागलपन कर रहा है? अरे उसके साथ पांच लोग नहीं बैठे हैं, छह लोग हैं। छह? एक दो तीन चार पाँच छह। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। दादागिरी कर रहे हो, देखकर कुछ भी बोल रहे हो, छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं हुआ, बैठ जा। गुंडे जैसे लोग लग रहे हैं, बहुत पीटेगा।
बैठ जा चुप चाप। अरे परेशान मत हो, इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया ना, तुम टेंशन मत लो, तुम बस पियो पियो ना, चलो चलो ए, पीना। मार्क तुझे चढ़ तो गई है ना, अब तेरी नसों में खून नहीं शराब बह रही है, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारे खून में जो ये शराब बह रही है ना, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा। इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा मुझे पापी। सजा दो। ये तुझे पिना रही है नहीं? तुझे दोस्ती और यारी के बारे में कुछ पता भी नहीं? है कुछ नहीं पता है। जैक एंड जिल हिल पर गए थे, जैक नीचे गिर गया था और जिल उसके पीछे पीछे लुढ़कती हुई आ गई, क्योंकि उसे अपनी दोस्त की पड़ी थी, लेकिन तुम्हें अपनी दोस्त की बिल्कुल नहीं पड़ी है। पड़ी है क्या? नहीं पड़ी है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शोले में भी जय ने वीरू से कहा था ये दोस्ती अब कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है, पता है। अरे रुक 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 रुक, वो तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी। दोस्ती के बारे में जावेद भाई क्या बोले, पता है? दिल में बैटरी रख के ऑल इज वेल बोला करो। अबे ये कौन से शायर ने बोला? अरे जावेद कोई शायर नहीं है, टायर का पंचर। बताता हूँ तेरे को, समझ में नहीं आ रहा तुझे? टेंशन मत ले, तू मेरे साथ है, तू सेफ रहेगा। चल चल, दोस्ती के खतरे में कोई मुझे बचा। अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मार डालूंगा। एक एक पंच मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ये क्या कर रहे हो? हाँ अरे पीछे पुलिस है यार, चलो ना। जल्दी जल्दी निकलो निकलो। तुझे मारनी लगी क्या? नहीं यार, मुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं। अरे बाप रे, तू तो लहू लुहान हो गया यार। तूने ऐसा पंच मारा जैसे साउथ के हीरो पंच मारते ना, ठीक वैसे। तूने फ्री में शराब पिलाई इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना मार डालता सबको। अरे पीछे पुलिस आ रही है, भगा ना। सिद्धू तू वर्जिन है क्या? 99.9%। वो 0.1% का क्या हुआ? अरे इसने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है। तू चुप रहना। पड़ोस वाली आंटी ने मेरे होंठ को काट लिया था। होंठ को काट लिया था? अरे गलत मत समझो, मैं तब सिर्फ 5 साल का था। 5 साल का छोटा सा नन्ना सा बच्चा। अरे यार जो कुछ भी हो, मेरी इज्जत तो गई ना, इसलिए मैंने खुद अपना एक अच्छा सा परसेंटेज निकाला है, 99.9%। तू बहुत अच्छा लड़का है यार। मेरे पापा भी हर वक्त यही बोलते हैं। अरे पुलिस 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 अंकल, हेलो। ये लोग हमें हवालात में डाल देंगे, उनके बाथरूम बहुत गंदे होते हैं। मैं नहीं उठाऊंगा। अरे तुम दोनों की वजह से मैंने काम जरूर मदद करूंगा, इस बार मेरी मदद कर दे। अरे कहां जा रहा है? पुलिस के हाथ लगने से अच्छा मुझे तो कुत्ता काट ले। यार इसकी सिर्फ सोच ही भारी नहीं है, ये पूरी की पूरी भारी भरकम है। सिद्धू तुमने मुझे जिस तरह उठाया है ना, बचपन में मेरे डैड भी मुझे ठीक उसी तरह उठाते थे। तो सिद्धार्थ के पास जरूर होगा। सिद्धू चलो जल्दी चलते। अरे बस मेरी बात सुनो, चलो चलो ना, चलो बस 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 यहीं पर। यहाँ पर क्यों ले आई? आज क्या नया कांड करने वाली हो? तुझे जाना होगा। वेलकम टू कुलदेवी मंदिर। क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ ठीक है, बस करो, चुप हो जाओ, चलो चलो आगे बढ़ो। कहाँ लेकर आ गए मुझे? जी जी ठीक है, बस रक्त का बलिदान ही मांगा है। लड़की प्यार जगाने वाली जगह पे आते हैं, तुम मुझे ये भूत भगाने वाली जगह पे घूम रहे हो। ऐसी हरकतें मत करो, अगली बार पास भी नहीं आऊंगा। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे ऐसे पूछोगी तो कौन ना बोलेगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ करता हूँ ना, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ठीक है, ये कैसा प्रपोज था? चलो जाते हैं यहाँ से। सिद्धू 2 मिनट्स। यहाँ पर नूडल बनाने वाली है क्या? हे भगवान,
आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ पैर ना चले, ये कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा। मैं इसका ध्यान अच्छे से रख लूंगी। आई लव हिम सो मच। ओके भगवान, बाय। हेलो, मिला कि नहीं? मिला सर। तो जा। स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। मारो इसको, मारो इसके कपड़े फाड़ दो। ले चलो, ले चलो इसको पुलिस को बुला। थाने में ले चलो इसको। उधर देख, वो ठीक है ना? पता लगाओ उसका। उसके लिए एक गिफ्ट भेजो। सिद्धार्थ, तुझे एक कहानी बताऊं क्या? होटल में हम दोनों लोग खाना खाने जाते हैं, लेकिन साथ में जैसे दो और लोग खाना खा रहे हैं वैसे बिल आता है, मतलब टैक्स। किसके लिए? खाने के लिए। उसे देखकर ही तो पेट में जलन होने लगती है, वैसे ही तुझे देखकर जलन होती है। छी, हंस मत यार। मालूम है, वो मुझे ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर 150 औरतें भूतियों की तरह मुझे कह रही है मेरे पास आ, मेरे पास आ। मैं इतना हैंडसम हूँ क्या यार? बोला बेबी आ गई। सिद्धू, क्या ये तुम हो? ये सच है या नहीं? दिया, ये मेरा जवाब दो। सच तो है, लेकिन आधा। अरे पकड़ा। ये तो वही है, माँ कसम, ये कब से शुरू किया? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होना चाहिए, वीडियो में तो बड़े मजे दोनों अच्छे दिख रहे हैं ना। उस दिन मुझे क्या कहा था? 99.9% वर्जिन है ना? दिया, तो वर्जिनिटी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है क्या? तुम लड़के होते ही ऐसे हो, जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारते रहते हो, लेकिन जब शादी करनी होती है तो सीधी सादी लड़की चाहिए। हाँ भाई, तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी लड़की है, सही बात बोल रही है। तू चुप बैठना। दिया, दर्द भरी कहानी तो सुनो। लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों से सच्चे दिल से प्यार करती हैं, इसलिए नहीं कि तुम कोई राजा हो और उसे एक रानी की तरह रखोगे और कीमती चीजें दोगे, और ना ही इसलिए कि तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह आओगे और उसके सारे दुख दर्द मिटा दोगे। हम सब जानते हैं कि तुम जैसे लड़के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी हम तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम अपने भोलेपन से हमारा भरोसा जीत लेते हो। तुम्हारी प्यारी बातों की वजह से हमें लगता है कि हम खास हैं, इसीलिए प्यार करते हैं। तुम जैसे लड़कों के लिए तो वही लड़कियां अच्छी हैं जो ठीक वैसा करे जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। एक बात बोलूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अबे चुप बैठना। हे सुन, तूने मेरे साथ धोखा किया है ना, तू ना नरक में जाएगा, नरक में। तू चैन से नहीं सो पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तुझे देवी माता छोड़ेंगी नहीं, तुझे तुम्हें। रुक, पागल है क्या? अरे तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा, चुप हो जा। दिया, मेरी बात सुनो। ए, तू बेशरम फ्रेंड है ना, बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तेरे को बताया है। पड़ोसन आंटी ने मेरे को पप्पी किया, वो भी तेरे को बता दिया था, लेकिन तूने गर्मा गर्म वीडियो में काम किया, एक बार तो बताया होता। ये ऊपर वाले, इसको तूने सही जगह लात मारी है। आगे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। तूने कुछ नहीं किया तो इस वीडियो में तेरे जैसा दिखने वाला है कौन? मैंने एक बार देखते ही पहचान लिया, ये तू है, ये तेरी ही चड्डी है। फोन दे। तू भी मेरे डैड जैसा ही निकला, झूठा। लेट्स ब्रेक अप। दिया, तुम गलत समझ रहे हो, दिया ऐसा कुछ नहीं था। दिया, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरा दोस्त हूँ। दिया, ये क्या है ब्रेकअप? ब्रेकअप? हाँ, मर्द ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, ना कोई बदलाव आया है ना आएगा, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट चांस है, इधर आके माफी मांग लो, दोस्ती यारी पक्की। आएगी। क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं, इसको गले लगा। जा, नाक तोड़ डाली।
दिया ने तुझे इतनी जोर का दिया? तू टेंशन मत ले, नाक का खून अच्छी तरह से पोंछ ले और उसके 5 मिनट बाद चल हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, दिया के घर जाके फिर से उसको एक बार समझाना प्लीज। प्लीज यार, भाई नहीं है क्या तू मेरा? यूजलेस। ये अरे तो मेरे लिए उससे कौन बात करेगा? सॉरी अंकल, आप एक जेंटलमैन हैं, लेकिन आपका बेटा ऐसा नहीं है। वो एक नंबर का लफंगा है। प्लीज उसे कहिए मुझे भूल जाए। लगता है बारिश होने वाली है। आप प्लीज घर चले जाइए। प्लीज अंकल जाइए। जाने दो पापा, लगता है उसे किसी की कदर नहीं है। वो अपने आप को समझती क्या है? चलिए पापा यहाँ से, हम यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। हे बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरा बाप अभी बैठा है। मुझे एक हफ्ते का टाइम दे, उसे रोज एक गुलाब का फूल देकर मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा। सच कहता हूं। देख बेटा, तूने भले ही मना कर दिया, पर हमारी बहू तो वही बनेगी। उसने मुझे जेंटलमैन कह के बुलाया। आप सच में बहुत अच्छे हैं पापा। हाँ बेटा, पापा को आज ही पता चला। I love you पापा। I love you बेटा। रो मत बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा, मेरा सब कुछ तू ही है बेटा। दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं तुझे ला कर दूंगा। तेरे ऊपर कोई भी तकलीफ या मुसीबत आने से पहले तेरा बाप उसे अपने ऊपर ले लेगा। जरा सा दुख भी तुझे महसूस नहीं होने दूंगा। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा दुख भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। I love you, Papa. इस बार मैं ये ठीक से करूंगा। जल्दी। hey, अब जोर से दबा मत। क्यों, तोन दब रही है क्या? hey, तोन निकली होगी तुम्हारी, बियर बेली नहीं कह सकते। पड़ोस वाली रानी जी सुनेगी तो क्या सोचेगी? तोन दे तो तोन ही बोलूंगा। चुप रहो, बियर पेट में जाकर कन्वर्ट हो गई है, उसे निकाल कर आता हूँ। पापा, ऑटो तो छोड़ दिया, वापस घर कैसे जाएंगे? अरे तेरा ये बाप तुझे कंधे पर बिठा कर ले जाएगा। मेरे पापा ग्रेट है, वो मुझसे बात क्या करते हैं। पापा जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे अच्छा, हाँ? सबसे प्यारा मेरा बच्चा। ओहो। आ, गले लग जा अपने बाप के। पापा, पापा, पापा नहीं, पापा, पापा, नहीं। क्या करूं, क्या करूं? पापा उठिए पापा। पापा, पापा मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। पापा, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पापा आपको हिम्मत रखनी होगी। तेरा बेटा। पापा, I love you, पापा, पापा। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा दुख भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। पापा। अगर मेरे बच्चे के लिए
लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दूंगा। सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कल आपको घर लेकर जाऊंगी, ठीक है? आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। हाँ, इनका काफी खून बह चुका है। जी हाँ, इनके सिर में बहुत गहरी चोट आई है, एक्चुअली इंटरनल ब्रेन हैमरेज हुआ है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, माँ, पापा की हालत देखी, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। चुप, मैं हूँ माँ। ऐसे रोते नहीं, चुप हो जा। उन्हें कुछ नहीं होगा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे गांव में कहानी सुनी थी, किसी इंसान की जान पक्षी में होती है तो किसी इंसान की जान पत्थर में होती है। तेरे पापा की जान किस में है पता है? हमारी उम्मीद और हमारे प्यार में, मुझे विश्वास है उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरा मन ये कहता है। तू भी भरोसा रख, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो सिद्धू आओ यहाँ, पापा को कुछ नहीं होगा। तुम दिया हो ना? हाँ। सिद्धू ने तुम्हारे बारे में बताया। आंटी, अंकल को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हाँ। तो चल, ये लीजिए कार्ड, कैश निकाल लीजिए। हाँ, चलो दिया। मुझे अंकल से मिलना है। यार मार्क, पापा इस हालत में मेरी वजह से, मैं उसका जिम्मेदार। नहीं, 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 तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरी वजह से हुआ ये तो। क्या पापा लगा रखा है, उन्हें कुछ नहीं होगा, बोला ना पापा को कुछ नहीं होगा। नहीं, उसका पागल हो गया तू, अरे कुछ से बोले जा रहा है। सिद्धू देख, मुझे देख, पापा को कुछ नहीं होगा। मुझे बता, मंदिर में भगवान क्यों बैठे हैं? जाकर प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था, तुमने देखा उस कार को? कुछ नहीं होगा। बोला तुमने देखा उस कार को? उसका नंबर देखा था क्या? अरे हम, मुझे तो बता। ए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। क्या कुछ भी बोल रहा है, शौक की वजह से एम्बुलेंस की जगह कंधे पे उठा कर रहा है, तू जा इधर से, जा। ए, जा। ओ, गाड़ी। मम्मी आओ ना। हॉस्पिटल है बेटा, यहाँ खेलते नहीं है। नहीं, मैं खेलूंगी। वरना उसे उड़ा ही देता। हर एक शहर में इस तरह हर रोज लोग मरते जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने ही कहा था। तुम्हारी जान को खतरा है सिद्ध। क्या चाहिए बॉस? वो वंदना, आप जानते नहीं है क्या, 2 हफ्ते पहले वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई। ब्रिज टूटकर कार के साथ पानी में गिर गया, बॉडी ढूंढने में 2 दिन लग गए थे।
जीरो से लेकर नौ तक दस नंबर है, 36,28,800 कॉम्बिनेशंस। इनमें से सही वाला कौन सा है कैसे ढूंढूंगा? चल चल चल, कुछ सोच। अब मुझे चार बटन पर उसकी उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब यही चार नंबर कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस ऑर्डर में? सिर्फ तीन चांस मिलेंगे, और अगर तीनों बार गलत नंबर डाला तो फिर ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। शिट, फिर इसे खोलना नामुमकिन होगा। अरे यार, शिट, आखिरी मौका बचा है। एक हार्ड ड्राइव, इसमें क्या हो सकता है? इसका नाम है सिद्धार्थ। ये बहुत बड़ा जीनियस है। इसने लास्ट ईयर हैकिंग कंपटीशन जीता था जो व्हाइट हैट हैकर्स ग्रुप ने कंडक्ट किया था। उस ग्रुप को पकड़ने के लिए मैंने और अंकल ने प्लान किया था। मेरी इससे मुलाकात एक पब में हुई थी। इससे पहले हम उन हैकर्स को ढूंढ पाते, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। इस लड़के का नाम है अनु। सबका यही कहना है कि प्यार में धोखा खाने के बाद इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया था। तुम मुझे अच्छी लगी तो मैंने कोशिश भी की, पर काम नहीं बना। क्या सेक्सी लाइफ है? तो क्या लव ही लाइफ है? सॉरी राकेश, प्लीज ऐसा मत करो। पागल हो गया? मुझे छोड़ो, मुझे मत जाओ। छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। छोड़ो राकेश। तुमने इसे कैसे प्यार किया? सॉरी, सारी मेरी गलती। छोड़ो मुझे। हेलो डार्लिंग, हम लोग यहां से चलते हैं। मुझे ये बहुत जल्दी कर रही है। छोड़ो, पागल हो गया? सब देख रहे हैं। छोड़ो मुझे, कम ऑन। ए छोड़ो मुझे। लगभग 40 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उसमें से 50% से भी ज्यादा हर 30 मिनट में एक बार प्यार करने से लेकर प्यार में फेल होने तक या उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं। पहले के लोग प्यार में धोखा मिलने पर अपनी फीलिंग्स डायरीज में लिखते थे और उस प्यार के बारे में किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन आजकल अपना स्टेटस लोग सोशल मीडिया में अपडेट करते हैं। जिस तरह से इंटरनेट के जरिए आपको सब कुछ दिख जाता है, वैसे ही ये दुनिया भी आपको देख रही है। शिवम, नई लड़की मिल गई। क्या हुआ? प्यार में धोखा। साइकोलॉजी एनालाइज करो। श्योर। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में हम फेसबुक पर जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, उससे कोई भी हमारी दिमागी हालत का जायजा लगा सकता है। ये काम आ सकती है। उसका बैक कैमरा ऑन करो। वो हमारी जिंदगियों में फोन और कंप्यूटर के जरिए घुसते हैं। हम किस बात पर हंसते हैं, किस बात पर रोते हैं, किससे प्यार करते हैं, ये सब कुछ उनकी नजर के सामने होता है। वेव्स। वो वेव्स इंसान के दिमाग में जाकर वहम पैदा करने लगती हैं। वो लोग ऐसी बातों का यकीन दिलाते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। गुस्सा भरा दिमाग वैसे भी आधा ही काम करता है, लेकिन अगर प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान हो तो उसका दिमाग आधे से भी कम काम करता है। दिमाग में 90% सिर्फ भावनाएं और जज्बात दौड़ते रहते हैं, और वो बेलगाम जज्बात हाथ से निकलते जाते हैं।
वो लोग ऐसे ही इंसानों की तलाश में रहते हैं जो डिप्रेशन में हो या मानसिक तनाव में हो। कॉल कर रहा हूं। हेलो, मैं तुम्हारी फ्रेंड बात कर रही हूँ। आपके जैसे ही राकेश ने मुझे धोखा दिया। रो मत। बोलो अब हम क्या करें? बोलो, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करें अब? बताओ। मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just leave me alone। वो वापस जरूर आएगी। तुम लोग अपना काम करो। ऑनलाइन आ गई है। कॉल करो उसे। बोलो अनु, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। अब वो लड़का कहाँ है देख। ठीक है, माउंट रोड उस एरिया में अपना कौन सा फंटर है चेक कर। ओके ब्रो। हेलो। ए, मैंने तुम्हें एक फोटो ईमेल की है और वो तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें उसे मारना होगा। सर, मैं अभी बच्चे के साथ हूँ। तो तुम अपने परिवार के साथ जिंदा रहना चाहते हो ना? रहना चाहता हूँ, प्लीज सर। करो जो कहा जा रहा है। या तो इस तरह के लोग मर जाएंगे या इनके डर की वजह से खून करना शुरू कर देंगे। तुम चाहती थी वो मर जाए, वो मर गया। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें अपना मेल बॉक्स खोलना होगा, उसमें एक फोटो मिलेगी। तुम्हें उसे मारना होगा। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती। बात सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, काम कर दो, वरना हमारे पास एक वीडियो है जिसमें तुम राकेश को मरवाना चाहती हो। वो वीडियो पुलिस को भिजवा दूं? प्लीज, प्लीज, नहीं, नहीं। अरे तुम्हें बस एक एक्सीडेंट करने का नाटक करना है, खून नहीं करना है। और वैसे भी तुम्हें किसी अनजान को मारना जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर तुम्हें पुलिस पकड़ भी लेती है तो 1500 रुपए देके छूट जाओगी। मैं ये नहीं करना चाहती। करना होगा। मैंने तुम्हें राकेश का मर्डर करने नहीं कहा था। इन सब के पीछे इनका क्या मकसद है ये तो नहीं पता, पर इनकी एक्सपेक्टेशंस हम सबसे बहुत अलग है। जो पैसे मांग रहा हूँ उसे इज्जत से दे दे। देख, तू मेरे भाई जैसा है, मेरे बच्चों को वापस लौटा दे प्लीज। भाई बोल रहा है? मैं भाई हूँ ना, अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देगा क्या? नहीं देगा। आवाज मत करना। मुंह और पेट में बहुत गैप होता है, वो सिर्फ पैसे से ही भर सकता है। देख, मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाला। प्लीज। तुम चुप रहो। उन्हें बचा लो। हे भगवान। देखिए क्या हो गया, किसके जिम्मेदार
हेलो, ज्यादा रो मत, मुझे अपना दोस्त ही समझ। तेरी तरह उसने मेरे बच्चों को भी पैसों के लिए मार दिया। बोल, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल। उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे मार दो, kill him, उसे जान से मार दो, kill him, kill him। इस तरह के क्राइम्स को मैं 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। ऐसे हैकर लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग वेब पेज के जैसा एक डुप्लीकेट वेब पेज बनाते हैं और उसे क्लिक करने वालों को हैक करके अपने कंट्रोल में ले आते हैं। इंटरनेट पर आप जो कुछ देखते हैं वो तो इंटरनेट का सिर्फ 1% है, उसके बाकी का हिस्सा तो हम देख ही नहीं पाते और उस हिस्से को कहते हैं डार्क वेब। वहाँ सिर्फ बंदूकें और ड्रग्स ही नहीं बिकती बल्कि इंसान के मांस को भी बेचा जाता है और उसे बनाने का तरीका भी सिखाया जाता है। ये सब करने वाले कोई आतंकवादी नहीं होते। आपको माँ बुलाने वाला आपका लड़का, आपका बेटा या आपको दीदी कहकर बुलाने वाला आपका भाई भी हो सकता है। आप जो फ्री में यूज करते हैं ना वो सच में मुफ्त में नहीं होता है, क्योंकि उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उनकी असली कमाई होती है आपका डेटा, आपकी जानकारी, उनका बैंक बैलेंस होता है। एक दिन आप रेड साड़ी सर्च कीजिए, उसके दूसरे ही दिन आपको पेज पे अलग अलग रेड साड़ी के ऑप्शंस नजर आएंगे। कैसे? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। आजकल पैदा हुए बच्चे का भी फेसबुक अकाउंट बना देते हैं। आप बच्चों को कंप्यूटर खरीद कर दीजिए लेकिन उन्हें बेडरूम में यूज करने मत दीजिए, हॉल में दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। डार्क वेब में फंसे हुए लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते क्योंकि उन लोगों पर एक मर्डर केस होता है। ए, छोड़ जाते हैं, लगता पागल हो गई है, चल। हमारे लिए जो वरदान था वही श्राप बन चुका है। कंप्यूटर तो कभी इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान कंप्यूटर बनता जा रहा है। इन हैकर्स के पास अनु जैसी बहुत सारे मासूम लोग फंसे हुए हैं। मैं तुम लोगों को सिद्धार्थ के जरिए जरूर ढूंढूंगी। जब कोई हमारा फोन हैक करता है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। अगर वो हमें ढूंढ सकता है तो हम भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक एक्सेस। ये क्या हो रहा है? तुम लोग चाहे जो भी हो या जहां भी हो, तुम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। सब मरोगे तड़प तड़प के। अगर तुम किसी भगवान को मानते हो तो उससे दुआ करो कि मरते वक्त तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ बोल। ए, कल मैं जिंदा रहूंगा या तेरी गर्लफ्रेंड, उससे पूछ के बताना। ए, तुझे हंसी आ रही है? मैं तुझे आधे घंटे का टाइम देता हूं। हमारे खिलाफ तूने जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं उसे लेकर एमजी रोड पर आ जा, वरना। हम उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद हमें अपने पास लेके जाएगा। क्या रे, तू ये सब कैसे करेगा? पहले उन्हें घबराने पे मजबूर करूंगा, फिर उनके अंदर डर पैदा करूंगा। उस डर की वजह से वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। हो सकता है दिया को उठाकर वो मुझे ब्लैकमेल भी करें। उससे पहले ये उसके बैग में रख देना। अगर वो लोग उसे किडनैप कर भी लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। एक शाणा गलती कब करता है पता है? जब वो खुद को डबल शाणा समझता है। तू खुद को 30 मार का समझ रहा है ना, लेकिन तू बेवकूफ है। उसकी जिंदगी से खेलने वाला तू कौन होता है? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तू इसे संभाल के रख और ध्यान से डालना। ये जो भी हो रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हो रहा है। ये तब नहीं हो रहा था जब आदिवासी रहते थे। उनकी समस्या एक ही थी, उन्हें खाना चाहिए था। जब से टेक्नोलॉजी आई है सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हे, चाकू से लेकर कुल्हाड़ी तक हमारे पास जितने भी हथियार है वो सब आदिमानव ने ही दिए हैं।
पर जैसे हमने उनका सही इस्तेमाल सीख लिया है, हमें इस टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल सीखना होगा। लेकिन उसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस जमाने की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसे संभालना है तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। चल जा। जा बोलता है। ए सड़क छाप रोमियो, एक को चेरी दे रहा हूं, एक को वायरस दे रहा हूं। एकदम कमाल कर रहा है यार। लेकिन मैं तेरे जैसा बुरा इंसान नहीं हूं। तेरी गर्लफ्रेंड पर छुरी से एक वार किया। ए, तू बचेगा नहीं। ए, बहुत बौखलाया हुआ लग रहा है। ए, मेरी टीम में तेरी तारीफ में बहुत बड़ी बात कही है, पता है? चल बात, बहुत गंदा है तू। फिर भी तूने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तू एक मामूली वायरस के जरिए मुझे पकड़ना चाहता है। तू जीनियस है। पगले कुछ बड़ा सोच, ओके? अब तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। ए, ए, प्लीज 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 सिद्धू। ए, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दे। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। तू मुझे ढूंढ, सिर्फ मुझे। ए, प्लीज 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 उसे कुछ मत करना। प्लीज कुछ मत करना, तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। ये गिड़गिड़ाहट सुनकर आई एम वेरी रिलैक्स्ड। ठीक है, तू इतना गिड़गिड़ा ही रहा है तो मैं तुझे एक ऑफर देता हूं, सिर्फ तेरे लिए है। 5 मिनट के अंदर अपने आप को मार दे, जा। मुझे तेरी मौत की चीख सुननी है। नहीं तो तू तेरी गर्लफ्रेंड की चीख सुनेगा। जा, जाके मर, जाके मर। सिद्धू नहीं, नहीं सिद्धू। मुंह बंद कर। नहीं, नहीं। एक शाना गलती कब करता है पता है? जब वो खुद को डबल शाना समझता है। ए, सुनाई नहीं दे रहा है? जाके मर। डाई 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 डाई। लेकिन तू बेवकूफ है। मुझे आज तक कोई हैकर ढूंढ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे ढूंढना चाहता है ना? मुझे मरना होगा। जा, जाके मर, मर, डाई। मर जा, मर जा, 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 जा के मर जा। आसमान में जब कोई पटाखे फूटते हैं तो उसकी पहली आवाज उसके पास में होने वाले को सुनाई देती है। दूर जाती हुई उसकी आवाज धीमी होती चली जाती है। जहां
जहां पटाखे फट रहे हैं तू उस जगह के करीब है, इसलिए मुझे भी उनके फटने की आवाज कान में पहले आ रही है। मतलब जहां पटाखे फट रहे हैं मैं उस जगह से ज्यादा दूर नहीं हूं, इसलिए मुझे उनकी आवाज देर से आ रही है। मतलब जो फटने की आवाज मुझे फोन पे आ रही है और जो सामने से आ रही है उनमें 2 सेकंड का अंतर है, 2 सेकंड का फर्क है। और इस 2 सेकंड में एक आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक 1 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसका मतलब हम दोनों में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। जब फोन की आवाज और आसमान से आने वाली आवाज एक ही वक्त पर आ गई, मतलब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। अब दोनों आवाजें एक ही वक्त पर आ रही हैं। इसका मतलब मैं नजदीक पहुंच गया। अच्छा तो तुझे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? तू नहीं मरेगा ना? या फिर मरने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा है? ओ, फोन को म्यूट रख के सोच रहा है। सोच। तेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन ये मासूम दर्द को सह नहीं पा रही है। 8 7 6 5 4 3 काम का क्या हुआ? 2 मिनट और लगेगा। 2 1 Hey Siri. I am listening. Where? Container Freight Station, Kondako A Village, Southern Ninja Block, Tono Naldo 600,103. iPhone की एक बेसिक रिंगटोन है। इसका मतलब तेरे पास iPhone है। ए सिरी बोलने से वो फोन ओपन होता है और उसके लिए मुझे चाहिए बस तेरी आवाज। ए, तुझे हंसी आ रही है? मैंने बस तेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली और हे सिरी का पार्ट बना लिया। ए, तुझे हंसी आ रही है? ए, तुझे हंसी आ रही है? एक बार तेरा फोन ओपन हो गया तो फिर मैं जो पूछूंगा वो उसका जवाब देगा। तेरे पते से लेकर तूने कौन सी चड्डी पहनी है सब कुछ पता चल जाएगा। I love you. Love you too. I am only here to serve you. अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रही है? लाइट चल रही है क्या? हाँ, करें जाने चाहिए ना। क्या है ये? क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? Yeah!
सॉरी चल हट ए ये लो इस दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों को पसंद करता हूं एक भगवान और दूसरा तू क्योंकि तुम दोनों अक्सर मुझे सरप्राइज देते रहते हो कम ऑन मैन ऊबर वाले ने दिमाग सिर्फ कंप्यूटर समझने के लिए नहीं दिया थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेना चाहिए संभाल के फटना आइए पापा ए पापा एक दो तीन सिक्स पैक्स या इस हॉस्पिटल में आकर मुझे मेरे सिक्स पैक्स वापस मिल गए ये Do. We are coming for you. We are immortal. We are immortal. Hum kabhi marenge nahi.